वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। बिहार में कुशवाहा समाज तीसरे नंबर का समाज है जो 10-12% जनसंख्या है, लेकिन अभी तक निश्चित इनकलाब पार्टी में 10-12 जो बुजुर्ग में और नौजवान में, अनुभवी लोगों से और नौजवान लोगों से हम पार्टी का पदाधिकारी बना रहे हैं। आम तौर पे कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता यदि गांव-गांव घूमने लगे, गांव-गांव दौड़ने लगे और खास करके गांव की धूल मिट्टी फाँकने लगे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लगातार हम पिछले कई दिनों से इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी अपनी पार्टी गठन के बाद पार्टी विस्तार को लेकर के लगातार गांव के धूल फाँक रहे हैं। लगातार जब कोई नेता पटना, राजधानी पटना की बंगला में बैठकर एसी की हवा खाने वाला नेता यदि गाँव की सड़कों पर निकल जाए तो कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उनकी मंशा क्या है, खास करके जब 2024 और 2025 दोनों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी पूरे चुनाव के एक वर्ष से ऊपर बाकी है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव कब है लेकिन नेता जी अभी गांव का दौरा कर रहे हैं, तमाम बातों को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और फिर एक बार लगभग में दर्जनों गांव घूमने के बाद आखिर किन मकसदों को लेकर के नागमणि जी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, और उसी बीच में खास करके कुशवाहा समाज की बात की जाए तो एक नेता पे आरोप लगते हैं तो एक नेता उसको जनता के समर्थन मिलती है, तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। लगभग हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से नेता प्रायः राजधानी पटना में एसी की हवा उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, मखमल की गद्दा उन्हें ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन गांव की धूल फाँकना ये आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? हम यह भी जानते हैं कि आप संगठन के विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि राजधानी पटना में आप अपने आवास पर बुलाते, कार्यालय में बुलाते, एसी का हवा खिलाते और आप भी खाते, ये धूप में घूमने का क्या कारण है? देखिए, अभी तक देश की जितनी पार्टियां हैं या बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन लोग जो पटना में या जिला मुख्यालय में बैठ करके पार्टी का पदाधिकारी बनाते हैं, मैं अभी औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड, हसपुरा प्रखंड, दाऊदनगर प्रखंड और आज ओबरा प्रखंड का दौरा करना है और सभी प्रखंडों में 8-10 गांव में, खास करके कुशवाहा बहुल गांव का दौरा मैं कर रहा हूं। किसी गांव में मैं गया, किसी पार्टी का एक भी पदाधिकारी नहीं, किसी पार्टी का एक भी पदाधिकारी वहां नहीं नज़र आया। और वहां हमने पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति है, खास तौर से मेरा स्पष्ट मानना है और सब लोग सहमत हैं कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और हमारा बिहार में कुशवाहा समाज तीसरे नंबर का समाज है जो 10-12% जनसंख्या है, लेकिन अभी तक नहीं बना। तो तमाम लोगों में कसक इस बात का है और हर लोग मान के चलते हैं कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए प्रत्येक गांव से 10-12 बुजुर्ग में और नौजवान में हम लोग पदाधिकारी पार्टी का बन रहे हैं। 10-12 पदाधिकारी सब गांव से बने हैं। अब कल्पना कीजिए कि जहां मैं इन तमाम गांव में मैं घूमा, किसी पार्टी का एक कोई पदाधिकारी नहीं है। और हमारे जो शोषित इनकलाब पार्टी में 10-12 जो बुजुर्ग में और नौजवान में, अनुभवी लोगों से और नौजवान लोगों से हम पार्टी का पदाधिकारी बना रहे हैं। तो यही मेरा रफ्तार लगातार चलते रहेगा। और फिर पुनः 5 मार्च से
फिर हमारा कार्यक्रम इसी तरह से औरंगाबाद का जो शेष प्रखंड है, देव है, कुटुम्बा है, रफीगंज है, औरंगाबाद सदर हुआ, तो ये चारों प्रखंड का होली के पहले यानी 7 तारीख तक प्रत्येक प्रखंड में इसी तरह का गांव में 8-10 गांव में हम जाके पार्टी को संगठित करेंगे और ये रफ्तार मेरा पूरे बिहार में चलते रहेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, आप कुशवाहा के बड़े लीडर हैं, कुशवाहा समाज कुशवाहा नेताओं से चोटिल है, पिछले हम लगातार कई दिनों से ग्राउंड पे है, खास करके कुशवाहा समाज के बीच है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा के काफिला में के द्वारा आरा में छात्रों पे लाठी बरसाया गया था। कल एक बुजुर्ग मेरे से मिले, वो रो करके अपने दर्द को बयां कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के पास माला पहनाने के लिए बुजुर्ग गए थे, उन पर लाठी चलवा दिया गया, छात्रों पर लाठी कुशवाहा नेता चलवा रहे हैं, बुजुर्गों पर लाठी चलवा रहे हैं। वो काफ़ी इससे आघात है कि आखिर अपनी नेता जो माने वो कैसे चुने, चूंकि वो नेताओं से काफ़ी चोटिल हो चुके हैं, आघात हो चुके हैं। ऐसे में नागमणि कुशवाहा का क्या स्टैंड होगा कि उन लोगों की जो जख्म है उस पर मरहम लग सके? देखिए, इस पर अब बहस का मुद्दा नहीं है कि कभी ये जो नाम ले रहे हैं शंभू नेता का, इसको पूरे बिहार के तमाम हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हजारों हजार युवा मोटरसाइकिल और गाड़ियों का काफला के साथ स्वागत करता था और तन मन धन से पूरा हमारा खास तौर से कुशवाहा समाज जुट गया था, लेकिन इसने समाज के सेंटिमेंट के खिलाफ कोयरी विरोधी जो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं उनके गोद में चले गए और नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे कि इनको देश का हम प्रधानमंत्री बनावेंगे। लेकिन ये जो समाज को निग्लेक्ट करके चलेगा, समाज सुप्रीम होता है, समाज बड़ा होता है और समाज की भावना के अनुकूल जो नहीं चलेगा, आज यही कारण है कि जहाँ भी शंभू नेता जिस जिला में जा रहे हैं, बक्सर में सभी कुशवाहा समाज के नौजवान काला झंडा और भंटा उंटा से स्वागत किया, आरा में जो घटना बता रहे हैं वहाँ भी काला झंडा लोग दिखा रहा था, इनके कुछ लोग जा करके और काला झंडा दिखाने वाले को 4-5 लोग का सर फोड़ देने का काम किया, लेकिन कहाँ कहाँ सर फोड़ेगा, मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में बुजुर्ग पे लाठी चला, मुजफ्फरपुर में इनको काला झंडा दिखाया गया, बेतिया में काला झंडा दिखाया गया, मोतिहारी में काला झंडा दिखाया गया और कल हम लोग जो अल्पा गांव में गए थे वहाँ तो महिला और बुजुर्ग दोनों लोगों ने आपको स्टेटमेंट दिया कि हम लोग इस शंभू नेता को माला पहनाने गए और प्रशासन ने हमको लाठियों से पीटने का काम किया। बताओ कि जहाँ आम जनता आपको स्वागत करना चाहती है और वहाँ उन लोग पर लाठी चला रहे हैं। अब इससे तो दुर्भाग्य कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा इस पर कोई कमेंट्स नहीं है। जो नेता जिस तरह का काम कर, यही कारण है ना कि ये शंभू नेता जहाँ जहाँ जा रहे हैं जिस जिला में, सारा कुशवाहा समाज का नौजवान काला झंडा दिखा रहा है और नागमणि जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप तो 4 दिन से मेरे साथ हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरा गांव के बुजुर्ग महिलाएं नौजवान सब लोग स्वागत कर रहा है। तो जब हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा, समाज के प्रति वफादारी रहेगी, समाज के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम जो गरीब तबका था, हरिजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, उनका भी मानना था स्पष्ट रूप से कि ऊंची जात में जो गरीब हैं जिनको पढ़ाई लिखाई की कमी है उनको भी हम शोषित मानते हैं। और मेरा बिल्कुल डंके के चोट पर हम कह सकते हैं बात को कि आज के तारीख में जो बाबूजी ने लड़ाई लड़ी इसमें कोई शक नहीं है
कि उनके समय में खास करके भूमिहार राजपूत का अत्याचार जुल्म बहुत था, उनके खिलाफ़ मेरे पिता ने लड़ाई लड़ा। लेकिन आज भूमिहार राजपूत में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, महापरिवर्तन हुआ है, कि कहीं भी अब भूमिहार राजपूत अत्याचार जुल्म नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी शोषित इनकलाब पार्टी तमाम भूमिहार राजपूत और तमाम जाति संप्रदाय को लेकर के हम लोग पार्टी में जोड़ रहे हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से हमारा पार्टी मजबूत हो रही है। और जैसा प्लान हमारा है कि अप्रैल महीने से होली के बाद शहीद जगदेव रथ निकलेगा, जो पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में मीटिंग करेगा, फिर जिला मुख्यालय में संगठन बनने के बाद विधानसभा क्षेत्र वाइज हम लोग पब्लिक मीटिंग करेंगे, और अभी से सभी जगहों पर अनाउंस हम लोग कर रहे हैं कि नवंबर महीना में पटना गांधी मैदान में शोषित इनकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें पूरे बिहार के तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी। और जो हमारा लक्ष्य है कि जब सभी समाज के लोग सीएम बना, वाई नॉट कुशवाहा, तो कुशवाहा को हम सीएम बनाने के लिए हमारी लड़ाई है। और जैसा आप जानते हैं कि 5 डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, कुशवाहा चूँकि सबसे निगलेक्टेड कॉम है, इसलिए उसको हिस्सेदारी के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 5 डिप्टी सीएम, एक मुसलमान, एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी यही 6 तरह का समाज है, अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण, मुसलमान, यादव और कुशवाहा। तो हम किसी को छोड़ के नहीं, सबको जोड़ के चलेंगे। अलग बात है, बार बार मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए ख़ास तौर से मैं कुशवाहा समाज, दांगी समाज के लोग को आह्वान करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि समाज जब तक पार्टी के साथ नहीं जुटेगा तब तक उस समाज का वजूद नहीं रहता है। आज बिल्कुल हम कह सकते हैं पब्लिकली कि आज यादव समाज मोटा मोटी आरजेडी के साथ है, लालू यादव के साथ है, जो एलजेपी, जो पासवान समाज के लोग हैं वह एलजेपी के साथ है। आज जो मल्लाह जिसका 1.5-2% बिहार में वोट है वो भी वीआईपी पार्टी के साथ है, जो अपर कास्ट और बनिया समाज के लोग मोटा मोटी बीजेपी के साथ हैं, मोटा मोटी जी। ऐसी स्थिति में बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि कुशवाहा समाज को हर हालत में शोषित इनकलाब पार्टी के साथ सब लोग जुटे, तभी आपका वजूद होगा और पार्टी का भी वजूद होगा। अच्छा। बिना समाज, जब तक कुशवाहा समाज शोषित इनकलाब पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेगा तो इस समाज का भी वैल्यू नहीं रहेगा। हर लोग बोलता है कि पता नहीं कुशवाहा किसको वोट करेगा, तो जैसा बिहार की तमाम जो मेजर समाज है, चाहे अपर कास्ट बनिया है, यादव है, मल्लाह है, पासवान है, सब अपने अपने पार्टी में एकजुट है। इसलिए मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कुशवाहा समाज के, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं और नौजवान हैं, कि शोषित इनकलाब पार्टी में 100% शामिल हों, ताकि मास में से चला जाए तभी दूसरा तीसरा समाज आपके साथ जुटेगा। और जो लक्ष्य है कि बिहार में कोरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना, वो हमारा पूरा हो। एक अंतिम सवाल है, मैंने आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें जो आपके 3 मुद्दे हैं, अति पिछड़ों की आरक्षण बढ़ाने को लेकर के, कॉलेजियम सिस्टम को और सच्चर कमेटी पे, मैंने कई पार्टियों का मैनिफेस्टो पढ़ा, भले ही अति पिछड़ों पे लोग वोट मांगते हैं, मुसलमानों पे, दलितों पे वोट मांगते हैं, या भले ही जो है कि बैकवर्ड की हित ऐसी की बात करें, लेकिन आपकी जो 3 मुद्दे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये आपकी लड़ाई और संघर्ष बहुत कठिन और बहुत हार्ड होने वाली है? क्योंकि आपकी जो मांग है शायद अभी
अभी तक किसी पार्टी ने उस बात को नहीं रखा है, और आपने ये बहुत बड़ी मांग कर दी और जो लड़ाई लड़ रहे बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अति पिछड़ों के लिए 27% से 52% की मांग कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होने वाला है, चाहे कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, आप ज्यूडिशरी से भिड़ रहे हैं, सच्चर कमेटी जो कि कब का आ चुकी है लेकिन उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई है, ये तमाम मुद्दा आपको नहीं लग रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला है जितना आसानी से आप बोल रहे हैं? देखिए जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है जी। और पूरे देश के पैमाने पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पिछड़ों का, दलितों की इतनी बड़ी पार्टियां हैं देश में, पूरे देश में किसी ने ये डिमांड नहीं किया। जब सबन समाज का जनसंख्या 10% है और 10% उसको आरक्षण मिल गया जी, यानी 100%, शोषित इनकलाब पार्टी पूरे देश की पहली पार्टी है, पिछड़े दलितों की पहली पार्टी है जो साफ साफ कह रही है कि 27% से 52% आरक्षण बढ़ाओ, और उसके लिए कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन पटना में 2 फरवरी जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जन्मदिन था उस दिन हम लोग धरना देने का काम किया। दूसरा था कि कॉलेजियम सिस्टम के वजह से सुप्रीम कोर्ट में 98% जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो जज बने हुए जी, और खरजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जातियां जो 90% है वह मात्र 2% है जी। यह स्थिति हाई कोर्ट का भी है, और आप जानते हैं कि जज का फैसला यानी भगवान का फैसला होता है, इसलिए पूरे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है। शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल ये लड़ाई शुरू किया है और अंजाम तक हम ले जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा पहले हम पार्टी को संगठन बना रहे हैं, प्रखंड स्तर पर लोग को जागृत करेंगे, गांव-गांव में जागृत करेंगे, जिला में धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर प्रदेश में करेंगे, और पार्लियामेंट और ज़रूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, कठिन ज़रूर है लेकिन नागमणि के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। वर्ड इज वर्ड, जो बोलूँगा मैं करूँगा। तीसरा, जो सच्चर कमेटी है, जो मुसलमानों के बारे में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें मुसलमानों की स्थिति पिछड़े और दलितों से भी बदतर है, इसलिए आज तक सब मुसलमान का वोट तो सेकुलर पार्टियां लेते रही, कांग्रेस, लालू यादव, नीतीश कुमार टाइप के लोग, अखिलेश और मायावती के टाइप के लोग लेते रहे, लेकिन मुसलमानों को बिल्कुल कहीं भी न्याय नहीं मिला, उनको हिस्सेदारी नहीं मिला, और आज तक सेकुलर पार्टियों ने कहीं धरना प्रदर्शन भी देने का काम नहीं किया। मुझे दुख है इस बात का कि मुसलमान कम्युनिटी भी अपने हक के लिए कभी धरना प्रदर्शन देने का काम नहीं किया। इसलिए मैं खास तौर से पूरे देश के मुसलमानों का, बिहार और झारखंड के मुसलमानों को खास तौर से अपील करना चाहते हैं कि सच्चर कम्युनिटी की लड़ाई अंतिम तौर से लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट का घेराव, सुप्रीम कोर्ट का घेराव हम करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को हम बुझने नहीं देंगे। ये तीनों जो मेरा पॉइंट है, खास करके जो पिछड़ी जातियों का के लिए, मुसलमानों के लिए, और जो कॉलेजियम सिस्टम है तो तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुसलमान सबका हित है, और सवर्ण समाज के भी जो कॉलेजियम सिस्टम है, कितना भी सवर्ण समाज का आदमी पढ़ा लिखा तेज तरार होगा उसकी नियुक्ति नहीं होती है, वहाँ पीक एंड चूज नियुक्ति होती है, इसलिए ये लड़ाई सवर्ण समाज के भी हित में है, ताकि कंपटीशन से एग्जाम होगा तो सवर्ण समाज के भी जो मेरिट वाले लोग हैं वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे, और एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जिस प्रकार से इनकी मांगे और मुद्दा है
कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तमाम जो समाज है, जो जाति है, धर्म है, सभी के हित की बात की है, चाहे वो सच्चर कमेटी की बात हो, कॉलेजियम सिस्टम पे बात हो या फिर अति पिछड़ा के आरक्षण बढ़ाने की बात हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि पहली बार देखी जा रही है कि कोई नेशनल लीडर गांव में धूल फाँकते हुए नजर आ रही है, गाँव गाँव के मिट्टी में भटक करके लोगों के दुख दर्द जाने। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर कुशवाहों की इस लड़ाई में जो कुशवाहा आधारित चुनाव होते हैं बिहार में, खास करके 10% से कि जिसकी आबादी है उसी बेस पे चुनाव में सरकार भी बनती है और तमाम जो है कि जितनी भी पार्टियां हैं कुशवाहा को रिझाने में सबसे पहले लगते हैं, क्योंकि जिधर कुशवाहा की पलड़ा भारी होती है उधर सरकार बनती है। तो चलिए तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।